इस जिला के उप विकास आयुक्त, जिला के पुलिस अधीक्षक और पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण और सरायकेला खुर्सा जिला के वासियों, भाइयों बहनों, विद्यार्थीगण, अतिथिगण, पत्रकार साथीगण, सभी को इस स्वतंत्रता दिवस अवसर पर शुभकामना देता हूँ, जोहार करता हूँ। यार पूरा भारतवर्ष गौरव के साथ, पूरा भारतवासियों, प्रदेशवासियों आज इस स्वतंत्रता दिवस बड़ा खुशी और उल्लास के साथ हम लोग मनाते हैं, क्योंकि आज उन वीर सपूतों को याद करते हैं जो भारतवर्ष में लंबा समय तक ब्रिटिश साम्राज्य पर बंदूक कंडक पर कब्जा करके रखा था। उस संघर्ष में हमारा बहुत सा हमारा प्रमोजों ने बलिदान दिया है, जो अहिंसा के रूप में नेतृत्व किया हमारा महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, उसी साम्राज्यवाद के खिलाफ में हमारा तिलका मांझी, सिंधु कांड चांद बार फोटो जानो बिरसा मुंडा फोटो हो, हर प्रदेश में महान व्यक्ति का बलिदान का हम लोग का इतिहास है। लाखों परिवार ने इस देश को आजाद करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए अपना संघर्ष और बलिदान दिया है, उन सभी को हम सबसे पहले नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि करता हूँ। और उसका इतिहास का पन्ना को हम लोग उसको प्रेरणा के रूप में लेते हैं कि आज हम लोग झारखंड प्रदेश में भी आज का दिन बड़ा खुशी है उल्लास के साथ हम सब है। झारखंड अलग राज्य होने के बाद जब इस साल गुजरते जा रहा है, झारखंड प्रदेश में अब और मुझे भी काम करना है। झारखंड प्रदेश का अलग ही इतिहास भूगोल है। झारखंड प्रदेश देश के अंदर में एक खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है। और ऐसा प्रदेश है जो जंगल झाड़ से भरा हुआ है। इस प्रदेश का यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब युवा के लिए बहुत कुछ और काम करना है। जब लंबा समय हमारा अलग राज हुआ,
और अलग राज्यों के यहाँ किसानों का भी है, विद्यार्थी भी है, मजदूर भी है, बेरोजगार की बात भी है, इसलिए बहुत कुछ कम करने का भी हम सब उनको करना है। जिस तरह से ये प्रदेश का परिचय है, खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है, उसको हम लोग उपयोग तो किया है, लेकिन झारखंड प्रदेश के लिए यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का अल्पसंख्यक, उनका लिए और बहुत चिंतन करना है। और यहाँ का ग्रामीण व्यवस्था एक किसान से शुरुआत होता है, खेती खेत खलिहान से शुरुआत, उसको अच्छा सिंचाई की व्यवस्था, इस सरायकला खुर्सा में सिंचाई का ड्रिंकिंग का व्यवस्था शुरुआत किया गया है। ये जिला का परिचय है, यहाँ बड़ा बड़ा डैम भी है, नदी भी है, नाला भी है, उस पानी को खेती में उपयोग करने के लिए शुरुआत हुआ गंजा ब्रांच की। जो 12,000 हेक्टर जमीन तक भी कृत्रिम का सिंचाई की व्यवस्था शुरुआत होने जा रहा है। जो प्राकृतिक पर भरोसा नहीं, आज का युग का व्यवस्था, जो सिंचाई की व्यवस्था, वो 12,000 हेक्टर जमीन पर शुरुआत होने जा रहा है। जब कभी उस क्षेत्र का किसान को निराश नहीं होंगे, या ज्यादा वर्षा या समय पर वर्षा नहीं होने से भी किसान एक दिन निराश नहीं होंगे, उसी तरह राज्य के अंदर में अच्छा शिक्षा की व्यवस्था हो, प्रदेश को विकास करना है तो शिक्षा बड़ा जरूरी है। बिना शिक्षा से कभी प्रदेश आगे नहीं जा सकता, न परिवार संसार सुधार सकता, इसीलिए शिक्षा का व्यवस्था भी उसी तरह का सरकार ने सुधारने का कदम उठाया। इस प्रदेश में स्वास्थ्य का भी या जिला के अंदर में स्वास्थ्य का व्यवस्था से सटीक होते जा रहा है। कुछ दिनों के बाद यहाँ 100 बेड का भी हॉस्पिटल फेज उद्घाटन होंगे, जो संजय के आसपास में हर स्वास्थ्य केंद्र को भी उसको सटीक करना है। प्रदेश में सिंचाई शिक्षा और स्वास्थ्य बड़ा जरूरी है, इस मानव जीवन में उसका साथ रोड रास्ता है, रोड रास्ता भी इस क्षेत्र में जाल की तरह बिछा दिया जा गया है, काम शुरुआत है, इसलिए आज आपका गौरव दिन, हम सब आज भारतवासी या झारखंड प्रदेश सभी आज गौरव के साथ आज हम लोग स्वतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं। इसलिए आज जो हमारा पूर्वजों का बलिदान दिया, लंबा संघर्ष किया है, ये हम सब उनके लिए है। भारत बहुत बहुभाषा बहुत धर्म का भी है, इसलिए हम सब उसी तरह हम लोग को राना सभी एक सम्मान के साथ, अधिकार के साथ जीने का हक है।
ये जिला का अलग है परिचय है। ज़्यादातर यहाँ किसानों का खेती करने भर है, लेकिन यहाँ बड़ा उद्योग क्षेत्र भी है जो आदिपुर गमारिया से हम लोग जानते हैं। इस राज के अंदर या एशिया महादेश के अंतर्गत में सबसे बड़ा उद्योग क्षेत्र भी है, इसीलिए उस रूप में हम लोग को देखना, उस रूप में हम लोग को शिक्षित होना है। शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा में भी हम लोग कदम रखे हैं ताकि हमारा युवा ताकि स्किल बन सके, तकनीकी हिस्सा शिक्षा प्राप्त कर सके, कि अपना बेरोजगार को दूर कर सके, ये जरूरत है। इस समाज को सुधारना, बेरोजगार को रोजगार मुक्ति बनाना, ये बहुत सारी योजना भी है। एक एक योजना हम कहते जाएंगे तो लंबा समय है, लेकिन जो सोच के साथ झारखंड को देश में योजना तैयार किया जा रहा है, आने वाला दिन यहाँ के सभी समुदाय के लिए झारखंड के दासा दिशा परिवर्तन और देश के अंदर में हादसा प्रदेश एक दिन परिचय में हम लोग सफल होंगे। इसलिए आज का स्वतंत्रता दिवस हुए इस गौरव का दिन में जो हमारा पूर्वजों ने ब्रिटिश सम्राज बाद उसको धूल को चाट दिया, सुभाष चंद्र बोस जैसा संघर्ष और आला के परिचय आजाद हिंद फौज तैयार करके संघर्ष करके ही युवा लोग का आला के उसका परिचय दिया है। राज सरायकेला खुर्सा जिला के वासियों हम सब सब मिल करके जिला को हम लोग अच्छा से संवारेंगे। आपका सोच आपका भावना के साथ जो भी योजना उसी अनुरूप हम लोग तैयार करके सरायकेला खुर्सा जिला को इस राज के अंदर में अच्छा हम लोग नए किसान का जो समस्या उसको समाधान हो, शिक्षा का व्यवस्था अच्छा हो, स्वास्थ्य का अच्छा हो, यातायात का सुविधा हो। इसीलिए हमने जो हम भी इस हमको भी पाँच साल के अंदर 5 महीना हमको भी एक राज्य को नेतृत्व करने का मौका मिला था। कम समय में हमने यहाँ के झारखंड के आदिवासी मूलवासी यहाँ के गरीब युवा का जो उनका जो भावना उनका जो सोच हम उसको अध्ययन करके हमने योजना लाने का हमने शुरुआत किया है। और एक पारदर्शिता के साथ हर विभाग को हमने निर्देश दिया था कि कोई 7 चीज़ का एक समय सीमा हो और सभी समय सीमा पर ही योजना पूरा हो। उस तरह का हमारा भी कम समय में इस प्रदेश को पूरा नेतृत्व करने का मौका मिला था। हमारा कामकाज पूरा प्रदेश ही देश में हमारा आईना की तरह हमने तोड़ दिया है। जिस तरह से आईना हम लोग देखते हैं तो अपना चेहरा हम लोग समझ लेते हैं कैसा है, उसी तरह नेतृत्व और यहाँ का राज को किस दिशा में किस तरह से ले जाना है। हमने ऐसा 5 महीना में ही हम उस तरह का काम राज की जनता के बीच में हमने छोड़ दिया है ताकि हम जो कम समय में
हम जो काम शुरुआत किया, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब गुरबा के लिए, यहाँ का बेरोजगार युवा के लिए, हर चीज़ को ध्यान में देख के हम एक कैलेंडर रूप तैयार करके हमने सूची बना दिया था, शेड्यूल बना दिया, ताकि इस तरह से काम करके यहाँ का जनता का एक परिवर्तन और यहाँ का सामाजिक व्यवस्था, यहाँ का आर्थिक स्थिति, यहाँ का शैक्षणिक व्यवस्था मजबूत होने से देश के अंदर में इस राज्य के पिछड़ापन की सूची में है, एक दिन उस सूची से ऊपर होने में हम लोग सफल होंगे। इसलिए सभी आज का स्वतंत्रता दिवस में, आज का खुशी और उल्लास का दिन में हम सब उन शहीदों का, उनका संघर्ष को याद करके हम लोग आज से झारखंड को सहारेंगे। जिस उद्देश्य से झारखंड प्रदेश को हम लोग निर्माण किया है, उस चीज को ख्याल करके और इस मानव जीवन में मानव सत्ता कैसे सृष्टि होगा, यही सोच इस प्रदेश के होना चाहिए। और हम सब मिल करके इस गौरव का दिन में इस प्रदेश, इस राज्य, इस प्रदेश और जिला को हम लोग एक साल सौरने का हाथ सभी का सहयोग हो, यही हमारा आज का बीच में आपका हमारा संदेश है। याद खुशी और उल्लास स्वतंत्रता दिवस है, इसमें हम सब खुशी और उल्लास के साथ जो भी चुनौती सामने आए उसको सामना करके इस जिला, इस प्रदेश में हम लोग सहयोग के रूप में बनेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड।